गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता और हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, ठीक है। शुरू शुरू में हमने लेआउट पढ़ा था, उसके बाद साइट के बारे में पढ़ा, फिर हमने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी बता दिए, उनको कई बार रिवाइज भी करा दिया। अब जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, हमने वैसे कल का मैं एक बार रिपीट करा देता हूं। जो हमने कल पढ़ा था सेफ्टी स्टॉक मेथड के बारे में। सेफ्टी स्टॉक मेथड में हम क्या कहना चाह रहे थे, मतलब कि इसमें क्या होता है कि दो भागों में डिवाइड किया जाता है गुड्स को। पहला तो वर्किंग स्टॉक और दूसरा क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब ओवर स्टॉकिंग ऑफ द गुड्स विच आर नेसेसरी, विच आर वाइटल्स, ठीक है, विच आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन। और दूसरा क्या था हमारे पास, वर्किंग स्टॉक। वर्किंग स्टॉक क्या होता है, जिसको हम लगातार मतलब कि उसका ऑर्डर हम करते जाते हैं। इन्वेंट्री, सामान आया, खर्च हुआ, फिर हमने उसके लिए ऑर्डर कर दिया, फिर वो सामान आया, फिर वो खर्च हुआ, और वो आसानी से मिल भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो भाग में उसको डिवाइड किया था। अगर इसमें कहा गया था कि अगर कोई डिमांड, अगर उस सामान की डिमांड स्टेशनरी हो जाती है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो हमें ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी या फिर हमारा जो सामान है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। देयर इज मोर डिमांड ऑन पार्टिकुलर गुड्स देन सच गुड्स कैन बी स्टॉक। अगर उस सामान की डिमांड ज्यादा होती है तो हमें उसे मेंटेन करने में, उसे ओवर स्टॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पढ़ा था इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के बारे में। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि कैपिटल कॉस्ट के बारे में, कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हैंडलिंग चार्ज, डिटोरेशन, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैपिटल कॉस्ट में। कैपिटल कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कितने तेजी से, कितने दर से उस कैपिटल पे जो पैसा लगाया है उस पर्सन ने, उस पर पैसा आ रहा है, ठीक है, कैपिटल मतलब कि इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका स्टोरेज एंड हैंडलिंग चार्ज। स्टोरेज एंड हैंडलिंग चार्ज में क्या था, जो हम स्टोर, जो कोई पर्सन स्टोरेज के लिए रेंट देता है, ठीक है, रेंट फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज दे रहा है उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कि जो वेजेस दे रहा है, जो सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयज को, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और साथ में जो स्टोरेज एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस के, ठीक है, इंश्योरेंस कराया होगा उसने सामान का, जो भी स्टोर रूम है, जो भी वो सामान है उसका, उसने इंश्योरेंस कराया होगा, उसमें जो पैसा दे रहा है इंश्योरेंस का, ठीक है, ये सब किस में आ गए, स्टोरेज एंड हैंडलिंग चार्ज में आ गए। डिटोरिएशन चार्ज मैंने बताया था, डिटोरिएट मतलब खराब होना, खराब हुआ इक्विपमेंट, खराब हुआ, ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, सीपीयू है, मान लीजिए कि सीपीयू खराब हो गया, उसको बनाने के लिए मेंटेनेंस से पर्सन को बुलाना पड़ा, उसने जो है उस कंप्यूटर को ठीक किया तो उसका तो चार्ज लेगा ना। तो ये सब क्या हो गया, अगर इक्विपमेंट्स या मशीन्स अगर खराब होती हैं तो उनको बनवाने में जो खर्चा आता है वो सब आता है डिटोरेशन चार्जेस में, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आती हैं, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में आती हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं स्टॉक लेवल्स के बारे में, मतलब कि स्टॉक का लेवल कितना रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए, या फिर किस तरह से हम उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक लेवल, द मोटिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट एट द सेम टाइम द इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स आर ऑल्सो केप्ट टू द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंड। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो कंपनी है, वो चाहेगी कि उसका प्रोडक्शन कभी भी रॉ मटेरियल्स की कमी की वजह से रुके नहीं, ठीक है,
वो हमेशा प्रोडक्शन जो है चलता रहे। कई कंपनियां 24 आवर्स तक अपनी कंपनियां चलाती हैं, ठीक है, कुछ कंपनियां का कुछ अलग शेड्यूल होता है, 18 ही घंटे चलाती हैं, कुछ कंपनियां 15 घंटा 16 घंटा चलाती हैं। तो ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो 24 घंटे अपनी कंपनी चला रही है, प्रोडक्शन कर रही है, या फिर 18 घंटे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स आर ऑल्सो कैप्ट टू द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंड, ठीक है। पर उसी के साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किसी मटेरियल पे पैसा खर्च कर दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर इन्वेंट्री जो है वहां की उस कंपनी की वो गड़बड़ हो जाती है। आप उतना ही सामान मंगाइए और उतना ही स्टॉक रखिए जितना की जरूरत है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अगर 2 किलो की जरूरत है तो आदमी ने 10 किलो मंगा के अपने पास रख लिया, ठीक है, वो 8 किलो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा ओवर स्टॉक हो जाएगा। और मे बी इन फ्यूचर पता चले कि लोगों का टेस्ट चेंज हुआ या फिर लोगों की डिमांड चेंज हो गई, उस वजह से वो जो स्टॉक है हमारे पास वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, वो वहीं पे ब्लॉक हो गया और उस कंपनी को घाटा होगा, ठीक है। वो सामान कभी ना कभी तो खराब होगा ही होगा इन फ्यूचर, तो क्या होगा, सामान खराब हो गया, अब उसका तो कोई यूज है नहीं, वो तो भाई फेंकना ही पड़ेगा उस सामान को। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में सामान आप अपने यहां रखिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव बाय मेंटेनिंग द फॉलोइंग स्टॉक लेवल्स, ठीक है। ये कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग द स्टॉक लेवल्स। इन स्टॉक लेवल्स को 3 तरह के भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल्स, ठीक है, और तीसरा है रीऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, पहला है मिनिमम स्टॉक लेवल, दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और तीसरा है रीऑर्डरिंग लेवल। अब पहला देखते हैं कि पहला जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो क्या कहता है। अब मिनिमम स्टॉक लेवल मींस that a minimum quantity of any item or material must be present in stock all times in order to maintain the production, ठीक है। एक कहावत सुनी होगी आपने हिंदी में कि ना भले से कुछ भला, ठीक है, ये एक कहावत है कि ना भले से कुछ भला। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन हमेशा चलता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी में कोई भी सामान होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्टॉक हमारे पास कोई बैच बना, उस बैच के बाद हमको जैसे कि कोई बैच बना 150 किलो का, ठीक है, 150 किलो का कोई बैच बना। अब नेक्स्ट बैच भी बनने वाला है, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं बैच वन, इसको हम कह देते हैं बैच टू। बैच टू में क्या है, हमें चाहिए 150 किलो, इसमें भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना है क्वांटिटी, 50 किलो, या कह लीजिए 100 किलो का, ठीक है। कितने की कमी पड़ रही है, 50 की कमी पड़ रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो कम से कम नहीं सफर होगा, हम 100 किलो के हिसाब से ही जो प्रोडक्शन है उसका जो प्रिपरेशन है कैलकुलेशन करके बना देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, नहीं सफर होगा। हम अगले बैच में जो 50 किलो वाला वो आ रहा, डिफरेंस आ रहा है, वो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन है, जब तक अगला बैच बनेगा तब तक वो रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम मिनिमम अमाउंट में जो मटेरियल है वो हमारे पास प्रेजेंट हमेशा होना ही होना चाहिए।
ठीक है, क्या इसका मतलब हो गया, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम। If in order to maintain such situation, minimum quantity of stock is maintained to meet the emergency or exceptional condition of production, some extra stock of material is maintained. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, ये किसका है, मिनिमम स्टॉक लेवल का हम बता रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला कि हम स्टॉक लेवल किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। जो रीऑर्डर लेवल है वो हम चेक करते हैं, ठीक है, जो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन है उसका, मतलब कि एक एवरेज रेट बनाते हैं किस कितने दर से वो मटेरियल खर्च हो रहा है, ठीक है, इनटू एवरेज टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तीनों चीजें जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कि हमें मिनिमम स्टॉक लेवल कितना मेंटेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम और मटेरियल विच शुड बी प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द स्टोर। ठीक है, वो मिनिमम था कि मिनिमम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या है कि मैक्सिमम, ठीक है, क्वांटिटी एट एनी टाइम, एक पार्टिकुलर समय पे जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उस मटेरियल की वो जो है स्टोर में होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टोर मोर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल मे नॉट बी फाइनेंशियली वायबल बिकॉज द कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड विच मे बी यूज समवेयर एल्स। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम क्वांटिटी, एक मैक्सिमम क्वांटिटी किसी सामान का हम अगर बना लेते हैं, ठीक है, एक तो मिनिमम क्वांटिटी हो गया कि हमारा इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू का ये देखा है ना अपने साइन, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक तरह से हम ऑफरेंड देते हैं कि जो हमारा सामान है वो इतने से लेके, ठीक है, मान लीजिए कि ये मटेरियल है और इतने के बीच में होना चाहिए। ठीक, ये हमारा एक वैल्यू हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और ये भी हमारा वाई जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मतलब कि इतने से लेके ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम क्वांटिटी हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हो गई, मतलब कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो ओवर स्टॉक हो जाएगा, माल फंस जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा, और अगर इससे कम हो गया, इससे कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा।
ठीक है, अगर इससे कम हुआ तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो ओवर स्टॉक्ड हो जाएगा और ब्लॉक्ड हो जाएगा सामान। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है इसका ओवरऑल। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड देयर बाय यूजिंग वर्किंग कैपिटल इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जो सामान आ रहा है जो उसको हम एक मैक्सिमम स्टॉक तक बना देते हैं कि इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर इससे ज्यादा होगा तो ओवर स्टॉक्ड हो जाएगा और कैपिटल फंस जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास वो कैपिटल रहेगा तो हम दूसरी चीजों में उस कैपिटल को, उस पैसे को लगा सकते हैं। ओवर स्टॉकिंग रिक्वायर्स मोर गोडाउन स्पेस फॉर विच एक्स्ट्रा रेंट विल हैव टू बी पेड एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब ओवर स्टॉकिंग होने से और कौन कौन से दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें ये आएंगी कि अगर हमारा सामान ओवर स्टॉक्ड है तो हमारे पास जगह भी ज्यादा होना चाहिए उस सामान को रखने के लिए, उस अगर और उसके लिए रेंट भी देना पड़ेगा पर्सन को। ठीक है, उस सामान को रखने के लिए, उस सामान के रख रखाव के लिए ज्यादा रेंट भी देना पड़ेगा उस पर्सन को, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, खर्चा जो है ये फालतू का बढ़ जाएगा। इट मे लेड टू लॉसेस ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ डिटेरियरेशन एंड ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल्स। और साथ में अगर हमारा ये सामान ब्लॉक हो जाता है, नहीं यूज होता है इन फ्यूचर, तो सामान खराब भी होने लगेगा और डिटेरियरेशन चार्ज मतलब कि वो भी, ठीक है, उसमें मतलब कि इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा। द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। पर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल को और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स, पहला होना चाहिए। ठीक है, पहला होना चाहिए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स कि कितना मटेरियल जो है कितने दर से वो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। दूसरा है लीड टाइम, लीड टाइम बताने की जरूरत है। लीड टाइम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लीड टाइम वही होता है जो समय लगता है ऑर्डर इंटीमेशन बनाने से लेके और ऑर्डर के प्लेस करने से लेके मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देने से लेके जो मटेरियल रिसीव होने तक जो भी प्रोसेस होता है, जो भी टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, हमारा लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, तो लीड टाइम पे भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल, भाई पैसा भी तो होना चाहिए। ठीक है, कितना हमारे पास पैसा इस समय है उस पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। चौथा है स्टोरेज स्पेस अवेलेबल, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कितना स्टोरेज। अब हमारे पास अगर जगह नहीं रहेगा तो हम सामान मंगा नहीं ना सकते हैं, हमें अगर प्रोडक्शन देना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस स्टोरेज एरिया के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा आ जाएगा सीजनल कंसिडरेशन, सीजनल कंसिडरेशन मतलब कि कुछ चीजें जैसे होती हैं कि सीजन्स में ही बिकती हैं। अगर हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है, जब कि जैसे गर्मी हो गया, ठीक है, जैसे बरसात हो गया, इन सब सीजन्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीमारियां भी क्या है उसी समय सबसे ज्यादा फैल रही होती हैं। ठीक है, इसलिए सीजनल सीजन्स को भी ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक लेवल है उसको मेंटेन, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। छठा क्या आता है, कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज,
ठीक है, मतलब कि भाई हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाके तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। हम जो भी काम करेंगे, इंडस्ट्री भी चलाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही हमें सारी चीजें चलानी पड़ेंगी। तो जो भी उनके नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें वो चीजें रखनी है। ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी को नार्कोटिक्स रखने का या नार्कोटिक्स मंगाने का अधिकार नहीं है, तो वो नार्कोटिक्स अपने यहाँ नहीं रख सकता, उसका मैक्सिमम स्टॉक, या फिर अगर उसको अथॉरिटी है भी तो वो उससे ज्यादा सामान अपने यहाँ नहीं स्टॉक कर सकता है। ठीक है, सेवेंथ है रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू डिटोरिएशन एंड ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मतलब कि सामान, भाई सामान आ रहा है तो खराब होने के चांसेस तो ज्यादा बनते ही हैं। अगर कोई भी सामान हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो उसके अगर और वो ब्लॉक हो जाता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं खराब होने के। तो सातवां पॉइंट ये हो गया। आठवां पॉइंट हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से भी काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। मान लीजिए कि आज हमारा प्रोडक्ट चल रहा है या किसी कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा बिक रहा है, उसी के कंपटीशन में कोई अदर कंपनी अपना प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ले आती है सेम कंपोजिशन में, लेकिन क्या है कि कम रेट में। तो उस कंडीशन में क्या दिक्कतें आएंगी कि लोग स्विच हो जाएंगे उसके प्रोडक्ट्स के प्रति और आपका प्रोडक्ट जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। इस कंडीशन में भी हमें जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो उसे देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम मंगा के रख लें और आगे उसका डिमांड ही ना आए मार्केट से प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, सॉरी प्राइसेस के घटने की वजह से, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत है। नाइन्थ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एट्थ हो गया और नाइन्थ है हमारा, हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, एट के ऊपर लिख देते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो था हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी तक तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है इसके कैलकुलेशन करते समय, ये चीजें हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से हमें करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल। अभी हम रीऑर्डरिंग लेवल के बारे में भी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आ रहा ना टर्म इसमें आखिरकार, तो हम इसमें इसके बारे में भी अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन ठीक है इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या
क्या कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का, ठीक है। रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस टू द होल, मतलब कि पहले सबसे पहले ब्रैकेट में होने का कोई भी चीज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो भी चीजें ब्रैकेट में है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर साइंस की तरफ, सॉरी अदर साइन की तरफ हम जाते हैं, जैसे प्लस माइनस। बॉर्ड मास का रूल पढ़ा है ना आप लोगों ने, बॉर्ड मास क्या कहता है आखिरकार, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट में हमारे क्या चीजें हैं, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद कौन सा आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस इसके बाद माइनस है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को प्रेफरेंस दिया, ब्रैकेट के बाद हमने प्लस को प्रेफरेंस दिया, और थर्ड किसको प्रेफरेंस दिया, माइनस को प्रेफरेंस दिया, ठीक है। इस तरह से हमें इसका कैलकुलेशन करना है। अब आते हैं आपका जो तब से टर्म आए जा रहा है रीऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल इज द पॉइंट इन बिटवीन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल एट विच इट बिकम नेसेसरी टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर फ्रेश सप्लायर्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक मिनिमम स्टॉक लेवल पढ़ा, एक पढ़ा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पढ़ा। जो रीऑर्डरिंग लेवल आता है वो इन दोनों के बीच में आता है, ऐसी ऐसे जगह जहां पे कि जरूरी हो जाता है उस सामान को ऑर्डर करना, ठीक है। एक पीक, एक पॉइंट आ जाता है जहां पे हम उसके, अगर वो नीचे चला जाता है क्वांटिटी, तो हमें तुरंत जरूरत है कि उस सामान का ऑर्डर हम प्लेस कर दें, ठीक है। रीऑर्डरिंग लेवल इज अ पॉइंट इन बिटवीन द मैक्सिमम इज अ पॉइंट लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल एट विच इट इज नेसेसरी टू प्लेस द ऑर्डर, इट इज नेसेसरी टू प्लेस द ऑर्डर, ठीक है, सॉरी फॉर फ्रेश सप्लायर्स। द डिफरेंस ऑफ स्टॉक बिटवीन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल should be enough to meet the demand of material and production till the orders are placed and suppliers are received in the store, ठीक है। दोनों जो maximum stock level होता है और minimum stock level होता है वो इतना ज्यादा होना चाहिए gap, ठीक है, वो दोनों के बीच में थोड़ा सा gap इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि उतने समय के बीच में हम जो है सामान का order भी कर सकें, ठीक है। इसी बीच में डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है, हमने ये सामान रखा है, इसी बीच में डिमांड जो है आखिरकार इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस बीच में ही ऑर्डर प्लेस कर दें और उस सामान को हम सफिशिएंट क्वांटिटी में मंगवा सकें, ठीक है। वही बात कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्टॉक बिटवीन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड द मिनिमम स्टॉक लेवल शुड बी इनफ, इतना होना चाहिए टू मीट द डिमांड ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ताकि उसमें जो मटेरियल्स का डिमांड है वो बढ़ जाए, ठीक है, जो डिमांड है वो बढ़ जाए इन द प्रोडक्शन टिल द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, और उसी समय हम क्या करें, ऑर्डर उसका प्लेस कर दें, एंड सप्लायर्स आर रिसीव्ड इन द स्टोर।
और वो सामान हमारे पास आ भी जाए, ठीक है। इतना होना चाहिए दोनों के बीच में गैप कि इस बीच में हमारा जो डिमांड है प्रोडक्शन में इसका इंक्रीज हो जाए और हम उसी पॉइंट पे उसी जगह पे जहाँ ठीक है रीऑर्डरिंग लेवल है वहाँ पे हम ऐसे वो ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम तुरंत का तुरंत अगर उसके नीचे जा रहा है तो हम ऑर्डर प्लेस कर सकें और ऐसा हो कि यहाँ पे हमें पता चल जाए कि हाँ इसका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ ये जो पॉइंट है ना यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका डिमांड फिर से आ गया हमारे पास, अगर इसका डिमांड हमारे पास आ गया तो हमें तुरंत ऑर्डर करना जरूरी हो गया है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया कि रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे पहुंचने के बाद हमें पता चल जाए कि उस सामान की डिमांड है कि नहीं है मार्केट में, अगर डिमांड नहीं है तो हम ऑर्डर करेंगे नहीं और अगर डिमांड है तो हम तुरंत उस चीज को ऑर्डर कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं रीऑर्डरिंग लेवल का, लेवल का कैलकुलेशन। ठीक है, इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड फॉर डिलीवरी। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। डिलीवरी मैक्सिमम कंजम्पशन पीरियड, सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड फॉर द डिलीवरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। क्या स्टॉक लेवल हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या चीज है? टेक्निक बाय विच द ऑर्डर्स ऑफ गुड टू बी परचेज आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग ऑफ एनी मटेरियल्स। ठीक है, हमें जो चीजें परचेज करनी है, जो गुड्स परचेज करने हैं, जो स्टोर के लिए सामान परचेज करना है, उसको हम इस तरह से परचेज करें कि हमें मैक्सिमम इकोनॉमी हो, ठीक है, उस सामान को खरीदते समय। ठीक है, उसको इस तरह से परचेज करना दैट इट गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग ऑफ एनी मटेरियल एज 30% ऑफ फाइनेंस इज स्पेंट ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एवरी ईयर। जानते ही हम, ठीक है, कि फाइनेंस पे जो भी पैसा आता है प्रॉफिट उसका 30% खर्च होता है हर साल कंपनी द्वारा। सो एज फार एज पॉसिबल दिस कॉस्ट शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट वन टाइम विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है,
और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी. द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. ठीक है. द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, जो एक्चुअल कॉस्ट होता है मटेरियल का, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, जो उसके ऑर्डर करने में कॉस्ट लगता है, एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. क्या क्या? आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और तीसरा इन्वेंटरी कॉस्ट. द एक्चुअल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम कॉस्ट एज डिटरमाइंड बाय द इनवाइटिंग द टेंडर्स एंड कोटेशन. ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, जब हम कोटेशन मंगाते हैं टेंडर्स के द्वारा और वो कोटेशन भेजते हैं, तो उसमें जो मेंशन प्राइस रहता है वही क्या होता है, एक्चुअल प्राइस होता है. ठीक है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्स द, अब ये हो गया आपका जो एक्चुअल प्राइस होता है उसके बारे में, ईओक्यू करके हम यहां लिख देते हैं. ठीक है, शॉर्ट में समझ जाएगा आप लोग. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. द ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्स द पहला क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी. दूसरा है टाइपिंग. पोस्टेज. ठीक है. तीसरा है फिलिंग. चौथा है टेलीफोन. ये सब खर्चे ही तो हैं. सैलरीज. ठीक है, पांचवा जो हो गया सैलरीज, हमने इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में भी पढ़ा था. सैलरीज ऑफ द स्टाफ पोस्टेड. ठीक है, सैलरीज ऑफ द स्टाफ पोस्टेड इन, किसमें किसमें पोस्ट हुआ जाता है, इन परचेज डिपार्टमेंट. ठीक है, इंस्पेक्शन सेक्शन. और अकाउंट सेक्शन. द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, अब इसकी भी बात हो गई, ऑर्डिनरी कॉस्ट की भी बात हो गई, बचा क्या इन्वेंट्री कॉस्ट, उसके बारे में भी देख लेते हैं. ठीक है, तीन चीजें इंक्लूड कर रहा था, तीसरा जो है इन्वेंटरी कॉस्ट. इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्लूड्स, पूरा लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे.
पहला क्या होता है, रेंट ऑफ स्टोरेज, दूसरा क्या है इंटरेस्ट, सॉरी दूसरा क्या, तीसरा क्या है इंश्योरेंस, और लास्ट क्या है कॉस्ट ऑफ रैक्स। ठीक है, सो द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट मस्ट ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेजिंग द मटेरियल। ठीक है, जब हम ऑर्डर करते हैं सामान को खरीदने के लिए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ में इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि टेलीफोन में जितना पैसा लगा, जो भी चीजें होती हैं, सैलरीज कितनी लग रही है स्टाफ की, ठीक है, या फिर जो स्टेशनरी में कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सब चीजें, और साथ में स्टोरेज पे कितना रेंट लग रहा है, कितना इंटरेस्ट है, कितना इंश्योरेंस है सामान रखने में, ठीक है, रैक्स पे कितना कॉस्ट लगा, ये सारी चीजें उसमें डिटरमाइन होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ एनी मटेरियल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल इज टू बी परचेज्ड एट अ टाइम। ठीक है, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात में आती है कि हमें कितने अमाउंट में सामान उस सामान को खरीदना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू स्मॉल दैट फ्रीक्वेंट परचेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए उसका जो क्वांटिटी है कि हमें बार बार वो सामान वहां से मंगाना पड़े। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी तो लगेंगे उसके, तो उस कंडीशन में महंगा भी पड़ सकता है, तो इतना फ्रीक्वेंट भी नहीं करना है, इतना स्मॉल भी नहीं करना है कि हमें फ्रीक्वेंटली बार बार वो सामान मंगवाना पड़े। इन दिस वे ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, जैसे मैंने बताया है कि ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड देयर विल बी लॉस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में लॉस भी होगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ द आइटम आर परचेज इन लार्ज क्वान्टिटी, लेकिन अगर हम काफी ज्यादा मात्रा में कोई भी सामान खरीद लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज। ठीक है, ज्यादा पैसा लगेगा इन्वेंट्रीज, मतलब कि पैसा, एक तो इन्वेंट्री गड़बड़ा जाएगी, ओवर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम आ गया, और एंड हैवी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। Hence, it is clear that if fewer quantities are purchased but too frequently, the ordinary cost may increase and inventory carrying will be too high. ठीक है, अगर हम कम सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और जल्दी जल्दी खरीदते हैं, जो ordering cost है वो increase हो जाएगा। ठीक है, अगर हम small quantity में खरीदते हैं तो ordering cost क्या हो जाएगा, ordering cost क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी हाई हो जाएगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी हाई हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज टू मोस्ट फेवरेबल ऑप्टिमम क्वांटिटी विच शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम फॉर द परचेज ऑफ ईच आइटम because at a point of balance is struck between the acquisition cost and inventory carrying cost। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें उतना ही सामान मंगाना चाहिए जितना कि जरूरत के हिसाब से हो। ठीक है, हम एक गणना कर लेते हैं कि हमें इतने की जरूरत है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें बताता है कि हमें इतने ही सामान की जरूरत है, तो हम उस कंडीशन में उतना ही सामान मंगाते हैं और थोड़ा सा उससे मैक्सिमम मंगा लेते हैं ताकि वो हमारे पास स्टॉक रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना चाहिए। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, इसको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, वो है EOQ। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2A माइनस O अपॉन C। ठीक है, अब पूछेंगे आप
ए क्या है, ओ क्या है, तो ई ओ क्यू तो आप जान ही रहे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, ये हो गया ए ओ, और साथ में क्या है सी, सी क्या हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इस तरह से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कैलकुलेशन, ठीक। कल हम रिलेटेड, आज के लिए बस इतना ही, कल हम रिलेटेड इससे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन भी देखेंगे जो कि इसी फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल, ठीक है। स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल जो है ये लास्ट पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल का, इसके बाद फिर हम नए चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि है आपका सेल्स प्रमोशन। तब तक के लिए थैंक यू सर।